भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प है कमल और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। अब बताओ सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं आपको कल रट्टा मार के सुनाऊंगा। अभी तो बताया विकास। क्या हुआ सर, क्यों परेशान है? वही विकास जी। हेलो विकास। नेशनल सिंबल लर्न करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, कर लेगा, बहुत इंटेलिजेंट है। Should I try, sir? ठीक है सर, एक बार आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू सर। सो लेट्स प्ले वन गेम। एक गेम खेलते हैं, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया को एनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो मैं बोलता हूं, मेरे को भी देख सकते हैं, फिर आप भी फॉलो कर सकते हैं। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पशु, टाइगर। टाइगर। एंड नेशनल फ्लावर, लोटस। कमल। राष्ट्रीय पक्षी, आवाज है पीकॉक। मोर। मुद्रा, कॉइन को उछाला और कैच किया तो रुपया। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे विकास, आपकी ये टेक्निक तो वाकई काम है। थैंक यू सो मच सर। इसी तरह तो हमारे भारत के आने वाली नई एजुकेशन पॉलिसी भी काम करेगी। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, प्ले वे मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, अलग कला विषय के साथ पढ़ाई का संगम होगा, जिससे बच्चों के दिमाग का विकास होगा और शारीरिक विकास भी होगा। वो हर सब्जेक्ट को अच्छे से महसूस करके समझ पाएंगे और इस तरह से उनका अलग विषय पर भी डेवलपमेंट होगा। वाह, तो पुराना अनुभव और नई तकनीकी समझ, नई सोच और खेल के साथ होगी शिक्षा सहज।